सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोजगार मेले के बारे में। जी हाँ, रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन भिवानी में, यानी कि भिवानी में जो गर्ल आईटीआई है उसमें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इस रोजगार मेले में बहुत ही बेहतरीन कंपनी आ रही है, जो ड्रीम कंपनी होती है आईटीआई पास होता विद्यार्थियों की, हीरो मोटरकॉर्प, जो अपने मोटरसाइकिल बनाती है हीरो कंपनी निमराणा प्लांट में। निमराणा बेसिकली राजस्थान में है, अलवर ज़िले के अंदर। ठीक है, तो हीरो कंपनी इस रोज़गार मेले में आ रही है बच्चों को हायर करने के लिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे कि कंपनी कितना स्टाइफंड देगी, किस तारीख को आएगी, कितने बजे आना है और कौन कौन सी ट्रेड के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, लड़के भाग ले सकते हैं या लड़कियां भाग ले सकती हैं या दोनों भाग ले सकते हैं। ठीक है, इस बारे में कंप्लीट से जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो निकल के आया वो ये है कि रोज़गार मेला आईटीआई वुमेन भिवानी में आयोजित किया जा रहा है, जो वुमेन आईटीआई भिवानी में। ठीक है, और ये रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है दोस्तों 9 अप्रैल को ट्यूसडे 10 बजे। ठीक है, 9 अप्रैल को 10 बजे आपको गवर्नमेंट आईटीआई भिवानी में पहुंच जाना है। और इस कंपनी में जो रोज़गार मेले में जो कंपनी भाग ले रही है वो है जो महत्वपूर्ण कंपनी, सबसे बेस्ट कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी आपकी भाग ले रही है इस रोज़गार मेले में। ये कोई मिसप्रिंट हो गया जो मोनोकॉर्प लिखा गया, हालांकि ये मोटोकॉर्प है जो हमारी मोटरसाइकिल बनाती है, टू व्हीलर। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है इस रोज़गार मेले में, सभी ट्रेड की विद्यार्थी भाग ले सकती हैं और वो केवल लड़कियां होनी चाहिए, गर्ल ओनली। ये रोज़गार मेला जो आयोजित किया गया है ये केवल लड़कियों के लिए आयोजित किया है, इसमें बॉयज़ भाग नहीं ले सकते। ये रोज़गार मेला केवल गर्ल स्टूडेंट के लिए है, वो गर्ल स्टूडेंट जिसने किसी भी ट्रेड से आईटीआई पास आउट की है वो इस रोज़गार मेले में भाग ले सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये खबर निकल के आई थी। और अगर फिर भी आपकी इस बारे में कोई क्वेरी है तो आप श्री राजू जी से बात कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है साथ। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप इनसे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा इसमें कोई जानकारी नहीं है, इस रोज़गार मेले में ये कंपनी आएगी और ये आपको 13,000 रुपये का स्टाइफंड देगी। ठीक है, आपने आईटीआई की हो किसी भी ट्रेड से, किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई से, तो आप इस रोज़गार मेले में भाग ले सकते हैं। बस महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये है कि ये रोज़गार मेला केवल लड़कियों के लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।